हेलो एवरीवन, दिस इज निलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल मैंने डिफरेंशियल की बात की थी आपसे और काफी सारी बात की थी, क्लियर, जिसमें मैंने काफी सारे फॉर्मूलाज बताए थे, जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला था डी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू वन, दूसरा फॉर्मूला था डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तीसरा फॉर्मूला था डी अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, और चौथा फॉर्मूला था डी अपॉन डी एक्स सी यू इज इक्वल टू सी डी यू अपॉन डी एक्स। इतना सब कुछ मैं आपको पिछले टर्न पे बता चुका था, बतलाया था, नहीं बतलाया था, बतलाया था, क्या हमको समझ में आया था, बोलो भैया। चलो ठीक है, वेरी गुड। इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो मैं अगली बात पे आता हूं, ध्यान से देखेंगे। एक आध दो एग्जांपल आप मुझे करके बता दो, फिर मैं आगे का शॉर्ट लगाऊंगा। क्लियर क्लियर। आज हमें डिफरेंशियल खत्म भी करना है और आज हमें इंटीग्रेशन की शुरुआत भी करनी है। आर यू रेडी? चलिए लेट्स बिगिन। तो बेटा इसके बाद इसी कड़ी में हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, फॉर्मूले की तरफ नहीं, एक एग्जांपल की तरफ, जो आप लोगों को मुझे करके बताना है। डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, डू इट। चलो करो इसे फटाफट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया लुक एट द बोर्ड सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन था, ये मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया यहां, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू, राइट। इसको खोल रहा हूं, तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल दिया, तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस d अपॉन डी एक्स सेवन एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स टू। सीन क्लियर है भैया? बात समझ में आ रही है सभी को? कहूंगा को परेशानी आ जाओ। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, देखो भैया यहां जैसे आप इसका करते हो, पहले इसका करते हैं, मैंने डायरेक्ट बताया था ना, सेवन टू जो फोर्टीन, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेवन टू जो फोर्टीन पावर एक कम कर देते हैं, तो ये एक्स सही आ रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बात? ऐसे ही इधर आ जाओ, इसमें केवल एक्स क्यू है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, तो यहां वन तो मान सकता हूं ना, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री वन जो थ्री पावर एक कम कर दी। डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो मैं वही नजर आ रहा होगा, थ्री एक्स थ्री माइनस वन, एक ही बात है, चाहे जैसे कर लो। कहानी क्लियर है भैया? समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो मुझे बताओ, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस वन, कल बताया था ना ये, बोलो भैया। जाको का होगा, जाको तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जीरो, वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा थ्री एक्स, थ्री माइनस वन टू प्लस फोर्टीन एक्स, ये हमारा आंसर आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स। क्या मैं उम्मीद करूं सबका यही आंसर था? आप लोगों का ये आंसर तो नहीं आ रहा था ना, यही आ रहा था, ठीक है। जिन लोगों का आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। अब मैं डिफरेंशियल का लास्ट शॉट देने जा रहा हूं और उसी के साथ हमारा डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, राइट। अब कुछ एक चंद फॉर्मूलाज में लिखने जा रहा हूं, गौर से देखेंगे सभी लोग, ठीक है, लुक एट द बोर्ड एवरीवन। चार फॉर्मूलाज मैं पिछले टर्न पे लिखा चुका था, आगे की और लिखा रहा हूं, लिखिएगा। अगला फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ये फॉर्मूलाज है, हमें एज इट इज याद रखने हैं, लेकिन इनको करने का जो पैटर्न है वो ऐसे है। क्या पैटर्न है, क्या कहानी है, वो सब मैं बताऊंगा, तुम तो उतारो वो चालू कर दो धकाधक। उतारो फटाफट पूर्ति में। क्लियर, उतारते जाओ पूर्ति में। अब जरा एक मिनट थम जाओ और सुन लो, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, क्लियर, ध्यान से देखें इधर सब लोग। याद केवल इतना करना है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, मैं पूछूंगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, आप बोलना कॉस एक्स, मैं बोलूंगा d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलना माइनस साइन एक्स। क्लियर, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। मैं पूछूंगा डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, आप बोलना वन अपॉन एक्स,
मैं पूछूंगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, आप बोलना ई की पावर एक्स, क्लियर। याद केवल इतना ही करना है, लेकिन इनको करने का जो पैटर्न है वो ये है, इसको समझने की कोशिश करिए ध्यान से। एक समझा रहा हूं उसी पैटर्न के सारे हैं, ध्यान दीजिएगा। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, इतनी कहानी तो सेम है यहां तक, बोलो सब में ऐसा ही है। देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर, इतनी कहानी तो सेम है सभी में, बोलो भैया। अब आ जाओ इधर, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हमने कॉस एक्स कर दिया, उसके बाद ये जो एक्स देख रहे हो ना आप, ये जो एक्स है, इस एक्स का हमें दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ता है, यानी इस एक्स का हमें दोबारा डी अपॉन डी एक्स करना पड़ता है। तो मैंने ये एक्स दोबारा लिख दिया और इसका डी अपॉन डी एक्स किया। ऐसे यहां पर देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर आपने इस एक्स का दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है, लॉग ई, लॉग ई बेस एक्स का वन अपॉन एक्स, फिर इस एक्स का आपने दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है, ऐसे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर आपने इस एक्स का दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है। समझ में आ रही है बात? अब ऐसा करते हैं तो फिर ऐसे याद क्यों नहीं करते? तो उसका कारण है, मैंने कल डिफरेंशियल पढ़ाया था, डिफरेंशियल का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, डी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू वन होता है कि नहीं होता, बोलो भैया। तो देखो डी अपॉन डी एक्स एक्स वन होता है, वन का मल्टीप्लाई कॉस एक्स से करोगे तो आएगा तो कॉस एक्स ही ना। तो याद हम लोग केवल इतना करते हैं, लेकिन इसको करने का पैटर्न नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, उससे आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है? एक एग्जाम्पल देखो, उसके बाद सारे आप ही को करने, मैं कुछ नहीं कराऊंगा, गौर से देखिएगा, पहले देख लो बाद में उतार लेना। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा रहा हूं, एग्जाम्पल है डी अपॉन डी एक्स साइन फोर एक्स क्यू। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, डी अपॉन डी एक्स साइन फोर एक्स क्यू, इसे सॉल्व करो। तो भैया हम सॉल्व करेंगे इसे, तो डी अपॉन डी एक्स साइन फोर एक्स क्यू, साइन चीक चीक के कह रहे हो, जीवारो फॉर्मूला लगेगा, बोलो भैया लगेगा नहीं लगेगा? बस एक्स की जगह हमारे पास का रामायण है, 4x क्यू है, x की जगह क्या है अपने पास, 4x क्यू है। तो मुझे मालूम है sin x का cos x होता है, तो मैंने भी यहां पर चमका दिया d upon dx sin x का cos x, तो cos x की जगह ये पूरी रामायण तान दी मैंने। इतने के बाद समझ में आएगी, बोलो भैया यहां तक हो गया काम, सीन समझ में आई बात, बोलो भैया ओके। बाद में उतार लिया, पहले बोल रहा हूं समझ लो उसको। तो sin x का cos x इतना हो गया, उसके बाद आपने दोबारा d upon dx किया है इस x का, तो मैं भी दोबारा d upon dx कर दूंगा, किसका, इस एक्स का। जे स्टेप समझ में आया भैया, जे ही समझने वाला स्टेप था, सीन क्लियर है? यहां तक बात पल्ले पड़ रही है आपको, बोलो। तो बस अब जा मैं कछु बचो ना ने, अब का चमका दो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस फोर एक्स क्यू एज इट इज, और इसको मैंने बताया था इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते, फोर थ्री जो ट्वेल्व, पावर एक कम कर देंगे एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आई बात, कैसे आया भैया बोलो, मुड़ना है लौका, क्लियर है? उतार लो फटाफट जाए पूर्ति में। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, वो आप लोगों को करके बताना है। एग्जाम्पल है डी अपॉन डी एक्स कॉस नाइन एक्स की पावर फाइव। चलो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू इट। जिन लोगों का हो गया बहुत सुंदर बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड एवरीवन, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग इसका। सो लूसन d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस चीक चीक के कह रहा है, जे वाला फॉर्मूला लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बस x की जगह हमारे पास क्या है, नाइन एक्स की पावर फाइव है, तो इनने कॉस x की जगह माइनस साइन x लिख दिया, तो मैं कौन सा कम पर रहा हूँ, माइनस साइन x की जगह जे बेसो की बेसो चिपकाए देंगे नहीं चिपकाए देंगे, सीन क्लियर है? तुमने होता ऐसे ही करो तो करो कि ना करो बोलो। तो कॉस x को माइनस साइन x, उसके बाद मैंने दोबारा d अपॉन डी एक्स किया इस x का, तो मैं भी दोबारा d अपॉन डी एक्स कर दूंगा, किसका, 9x की पावर 5 का, सीन क्लियर है भाऊ? तो ये हो जाएगा माइनस साइन 9x की पावर 5, इसको सॉल्व कर लो, 9 5 से 45, पावर एक कम हो जाएगी तो 4। होप यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड गाइस? आप लोगों का आंसर ये तो नहीं आया था ना, सही बताओ, चिरमंटी मत करना, यही आया था, उतार लो। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आप लोग करके बताएंगे मुझे, ये करके बताए कोई, ये करके बताए, करो जाए। चलिए तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, गौर से देखेंगे सभी लोग इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमें दिख रहा है e की पावर x, ये वाला फंडा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, x की जगह हमारे पास ये पूरा 4x क्यू है, राइट?
तो मैंने देखा e की पावर x का e की पावर x होता है, तो मैंने भी सेम वैसा की वैसा चमका दिया 4x क्यूब, राइट। उसके बाद यानी यहां तक हो गया ये, है ना, e की पावर x का e की पावर x। अब हम दोबारा d अपॉन dx करते हैं इस पावर का, तो मैंने भी दोबारा d अपॉन dx कर दिया 4x क्यूब का, राइट। तो फाइनली सॉल्व किया मैंने तो e की पावर 4x क्यूब। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4 3 से 12, पावर एक कम हो जाएगी। निकिता आपका सब कुछ ठीक था, बस आपकी एक ही मिस्टेक थी, आपने d अपॉन dx दोबारा चिपका दिया। अरे भाई डिफरेंशियल तो हमने कर दिया ना, तभी तो ये 12x स्क्वायर आया है। अब हम यहां पर दोबारा d अपॉन dx नहीं लगाएंगे। क्या मैं उम्मीद करूं निकिता आप मेरी बात समझ गई, क्लियर? ये मिस्टेक थी बेटा, डिफरेंशियल तो कर दिया, तभी तो अपन ने 4 3 से 12 एक्स स्क्वायर, पावर एक कम कर दिया ना। तो जिन लोगों का भी ये आंसर था वो सब करेक्ट है, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। जिनका नहीं आया था फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आप लोग मुझे करके बताएंगे, ठीक है? चलो करके बताओ। क्वेश्चन है ये मेरा, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स की पावर 7। चलिए करिए करिए इसे। जिन लोगों का ये सॉल्यूशन हो गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड एवरीवन। देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स की पावर 7, दिस इज माई क्वेश्चन। तो मुझे देख रहा है x की जगह अपने पास ये है बॉस, है ना, log x का 1 अपॉन x। तो log x का अपन लोग क्या कर देंगे, 1 अपॉन x की जगह अपने पास ये है, तो 1 अपॉन x की पावर 7। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? ओके, तो ये log x का 1 अपॉन x। उसके बाद आपने दोबारा d अपॉन dx किया है इस x का, तो मैं भी दोबारा d अपॉन dx कर दूंगा, किसका, x की पावर 7 का। सही जा रहा हूं, चमका दो। अब क्या है, 1 अपॉन x की पावर 7, इसको खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 7x 7-1। समझ गया ना, डिफरेंशियल का कल वाला सेकंड फॉर्मूला लग गया, nx n-1, है ना। ओके, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 7, ये हो जाएगा 7x⁶, 7-1 6। या तो ऐसे ही रखा रहने दो, पर जब भी कोई मैथमेटिकल आंसर हमारा आता है तो हम उसे जितना मैक्सिमम इलेबोरेट कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो ना, है, वेरी गुड। तो चलो करते हैं इसे आगे, कोई यहाँ तक भी रख देता है तो 100% करेक्ट है। 7x की पावर 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी तोप चल जाएगी, यही आ जाएगा, आ जाएगा। x की पावर 6 से x की पावर 7 कैंसिल आउट करूंगा तो 7 अपॉन केवल x बच जाएगा, बच जाया। बोलो भैया समझ में, x की पावर 6 है ये x की पावर 7 है, तो जब कैंसिल आउट करूंगा तो केवल एक एक्स ही तो बचेगा। बुरो लग रहा हो, समझ में आओ कि ना नहीं आओ, जे पहले तो मुझे बताओ, क्लियर है, उतार लो फटाफट जाए। ओह शिट,